भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ की नियुक्ति हो गई है, और अभी जो है नए चेयरमैन जो बने हैं वो बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है, और ये जानकारी को भी ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के जो है नए चेयरमैन और सीईओ की नियुक्ति हुई है, और अनिल कुमार लाहोटी जो है वो नए सीईओ और चेयरमैन बन गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी पूर्व चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। तो अनिल कुमार लाहोटी जो हैं वो पूर्व चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान को लेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देखते हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अनिल कुमार लाहोटी के बारे में जानकारी क्या है। अनिल कुमार लाहोटी 1 जनवरी 2023 से अपना पदभार संभाल लिए हैं। तो दोस्तों ये 1 जनवरी 2023 से यानी कि नया साल में इन्होंने अपना जो है पदभार संभाल लिया है रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ के रूप में। सीईओ और चेयरमैन बनने से पहले ये 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य के रूप में पद संभाले थे। तो ये जो है चेयरमैन और सीईओ बनने से पहले 17 दिसंबर 2022 को ही रेलवे बोर्ड में एक मेंबर के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो 17 दिसंबर 2022 को इन्होंने मेंबर के रूप में रेलवे बोर्ड में थे, और अभी जो है ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। तो ये 1984 बैच के अधिकारी हैं, वो भी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग्स के बैच के अधिकारी हैं 1984 की। अनिल कुमार लाहोटी ग्वालियर के इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन और IIT रुड़की से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, गोल्ड मेडल मिला है उनको, क्योंकि ग्वालियर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ये ग्रेजुएशन किए हैं गोल्ड मेडल के साथ में, और साथ ही साथ IIT रुड़की से इन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं। अनिल कुमार लाहोटी 36 वर्षों से ज़्यादा समय तक भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं। मध्य रेलवे में महाप्रबंधक रह चुके हैं, साथ ही पश्चिम रेलवे में भी महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। तो ये जो है अनिल कुमार लाहोटी, ये 36 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर विभिन्न पोस्ट पर काम कर चुके हैं, और ये महाप्रबंधक भी रह चुके हैं मध्य रेलवे में, यानी कि मध्य रेलवे में ये महाप्रबंधक रह चुके हैं, साथ साथ में पश्चिम रेलवे में भी महाप्रबंधक का इनको अतिरिक्त प्रभार भी मिला था, तो उनको भी इन्होंने संभाल चुके हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है मध्य रेलवे में पहले महाप्रबंधक रह चुके थे, साथ साथ पश्चिम रेलवे में भी अतिरिक्त प्रभार मिला था महाप्रबंधक के रूप में इनको। इसके बाद है रेलवे से संबंधित विभिन्न ट्रेनिंग इन्होंने UK, इटली और USA से ली हुई हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली और यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग जो होती हैं उनको ये ली हुई हैं, इन देशों से इन्होंने लिया हुआ है। साथ ही साथ हांगकॉन्ग, जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी रेलवे से संबंधित अध्ययन किए हुए हैं। तो रेलवे से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है अच्छा करने के लिए, विकास करने के लिए, रेलवे को विकास करने के लिए किस प्रकार से, तो इनसे संबंधित जो है स्टडी को इन्होंने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान और हांगकॉन्ग से भी किए हुए हैं। तो ये अनिल कुमार लाहोटी जो हैं अभी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, साथ साथ इन्होंने 1 जनवरी 2023 से अपना पदभार संभाल लिया। और इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए यानी कितने वर्षों तक या कितने महीनों तक के लिए हुए वो अभी मालूम नहीं है, वो अगर कुछ होती है नई अपडेट्स तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन इन्होंने 1 जनवरी 2023 से अपना पद को संभाल लिए हुए हैं। तो ये आप लोगों को करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ को जो बने हैं वह है अनिल कुमार लाहोटी।